नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम इस गूगल एड सीरीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि है गूगल रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स। दोस्तों, हम जैसे कि आपको सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और हर तरीके का एड इस सीरीज के अंदर गूगल एड्स की बनाना सिखा रहे हैं प्रैक्टिकली, तो जो गूगल के पीपीसी सर्च एड्स होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिव एड बनाना मस्ट भी है और उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो इसलिए स्पेसिफिकली ये वीडियो हमने रिस्पॉन्सिव एड्स के ऊपर बनाई है। तो गूगल सर्च पीपीसी एड्स में रिस्पॉन्सिव एड किस तरीके से आप बना सकते हो, वो प्रैक्टिकली हमने आपको इसमें बनाना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप और उसके बेनिफिट्स बताए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत यूजफुल है और इससे आप काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी ये गूगल, फेसबुक, इंस्टा की सीरीज शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे, तो अगर आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको ये सीरीज के नोटिफिकेशंस मिले। और बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं फ्यूचर में, बहुत लेटेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट डिजिटल मार्केटिंग पे आने वाला है, तो उसके बारे में भी आपको पता लगे। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं एड्स में जो रिस्पॉन्सिव एड हम कैसे बना सकते हैं। सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो एक हमने डेमो, एक पीपीसी कैंपेन बना लिया है, जिससे कि हम डायरेक्टली आपको लेकर जा पाए जहाँ से रिस्पॉन्सिव एड हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो पीपीसी एड कैंपेन है, ऑलरेडी हमारे चैनल में ट्यूटोरियल्स हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में और आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप प्रॉपर पीपीसी कैंपेन बनाना सीख सकते हो। मगर उस पीपीसी कैंपेन में रिस्पॉन्सिव एड कैसे बनाना है वो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। तो किसी भी पीपीसी कैंपेन में आपको पहले पता है कि कैंपेन बनाना होता है, फिर उसमें एक एड ग्रुप बनाते हो आप। उस एड ग्रुप में जब आप क्लिक करोगे, तो एड ग्रुप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर जब हम एड एक्सटेंशंस में आते हैं, जहाँ पर हमने एड ग्रुप्स में एड्स बनाए होते हैं, तो एड एक्सटेंशंस में अब तीन ऑप्शंस आते हैं। दो टेक्स्ट एड हम बना सकते हैं और एक रिस्पॉन्सिव सर्च एड बना सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट एड तो वो होता है जो हर एक एड, जैसे हमने एक सर्विस के लिए बना लिया, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, तो मैंने एक टेक्स्ट एड बना लिया लाइक एसईओ सर्विस प्रोवाइडर, एसईओ कंपनी दिल्ली, एसईओ एजेंसी, ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड एड है। एक दूसरा मैंने टेक्स्ट एड बना लिया एसएमओ सर्विस सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो उससे रिलेटेड हो गया। बट जो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स हैं, अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और मैं 10 से 12 अलग अलग सर्विसेज में डील करता हूं, तो उन सबको वो केटर करेगा और सर्च के हिसाब से, जो सर्च यूजर कर रहा है उसके हिसाब से हमारे कीवर्ड्स और हमारे एड्स को वो पिक करेगा और वो दिखाना शुरू करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एड है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर आप इसको चलाओगे, आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा, आपके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे और आपको जो लीड्स है वो भी, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्सिव सर्च एड पे जैसे क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव एड का फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता भी रहा है कि जैसे जैसे हम चीजें ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ बताएगा ऐड कितना हम हमारा स्ट्रॉन्ग ऐड है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ यूआरएल डाल देंगे अपनी उस वेबसाइट का, जिस वेबसाइट पे हमें ट्रैफिक लेके जाना है, लैंड कराना है। तो ये हमने यूआरएल डाल दिया, वहां वेबसाइट का डाली है, लैंडिंग पेज का डाली है, वो आपको देखना है। यहाँ पर यूआरएल के आगे, डिस्प्ले यूआरएल के आगे, यहाँ पर आप देखिए, अब मैं डालता हूँ जैसे कि digitalmediabuy.com/digital marketing, ये 15 वर्ड्स में आना है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डिजिटल एजेंसी इन दिल्ली, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर mediabuy.com/digital marketing agency in Delhi ऐसे डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर हेडिंग्स है दोस्तों, 10 से 15 हेडिंग्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है अलग अलग, ये डिपेंड है आपके, अगर जितनी सर्विस है, मेरी सर्विस तो बहुत सारी है, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, एडवर्ड, फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, लिंक्डइन मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, बहुत सारी है, ठीक है, तो मैं डाल सकता हूँ। अगर आपकी 5-6 सर्विसेज है तो वो डाल दो, या आपके प्रोडक्ट्स हैं, या ये ब्लॉग हैं आपके, ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के हिसाब से आपको हेडिंग्स बनानी है अलग अलग, और यूनिक हेडिंग्स बनाइए, अच्छी हेडिंग्स बनाइए। तो अभी तो डमी के लिए हमने ले लिया है, क्योंकि हमें टाइम सेव करना है, तो यहाँ पर हमने कॉपी करके रख ली है, लिख के रख ली है,
ऑलरेडी हेडिंग्स, ये अब मैं यहाँ पर हेडिंग्स डाल दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी हेडिंग्स डाल के दिखा रहा हूँ। हेडिंग्स आपको यूनिक बनानी है, ठीक है, और बहुत सोच समझ के आपको हेडिंग्स का चुनाव करना है, क्योंकि हेडिंग्स कीवर्ड का रोल प्ले करती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो जिस बिजनेस, जिस प्रोडक्ट सर्विस के लिए आपको इंक्वायरीज चाहिए या आप चाहते हो सर्चेज में आपका नाम आए, उससे रिलेटेड ही हेडिंग्स बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक हेडिंग एक एक कीवर्ड का रोल प्ले करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे मैंने यहाँ हेडिंग्स डाल दी, और डालना चाहूंगा तो मैं ऐड हेडिंग करके और डाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पिंग करना है, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पिन पे क्लिक करा, पिन पे, अब यहाँ पर मैं पोजीशन दे सकता हूँ अपनी इन हेडिंग्स को, कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहता हूँ इस वाले को, या दूसरे वाले को मैं सेकंड पोजीशन पे, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नॉर्मली रेंडमली भी चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ेंगे, अब हमें डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है। अब हम गए डिस्क्रिप्शंस पे, ये डिस्क्रिप्शंस भी हमने रख ली है कॉपी करके, जस्ट टू सेव टाइम। डिजिटल या डिजिटल सर्विसेज कह देते हैं, और यहां पर अगली डिस्क्रिप्शन डालते हैं, एक और डिस्क्रिप्शन डालते हैं, पेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से ये आप यहां पर देख सकते हो, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, डेटा मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। और ये देखिए, अगला करा, अगला ऐड आ गया, अगला करा, अगला ऐड आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अब ये सिंगल ऐड ही, जब कोई अलग अलग सर्विसेज ढूंढ रहा है, तो आपका अगर कोई पीपीसी मैनेजमेंट ढूंढ रहा है, तो यही ऐड बस अपने डिस्क्रिप्शन को उस हिसाब से उठाएगा आपकी, जिस डिस्क्रिप्शन पे आपका पीपीसी मैनेजमेंट से। क्योंकि आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जितनी हेडिंग डालें उतनी डिस्क्रिप्शन जरूर डालिएगा, और उन डिस्क्रिप्शन में कम से कम हर हेडिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन और आपके हेडिंग्स को मैच करके उस एड को आपको दिखाएगा। तो यही तो है, ऑटोमेटिकली डायनेमिकली ये सॉफ्टवेयर खुद आपकी चीजों को, जो यूजर सर्च कर रहा है, उससे मैच करके एड दिखाता है। तो दोस्तों इसको अब हमने तो डेमो के लिए बनाया, अब जैसे आप अच्छे से यूनिक हेडिंग्स बनाओगे, उसके डिस्क्रिप्शंस अच्छी बनाओगे, तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गुड और उससे ऊपर एक्सीलेंट की तरफ होनी चाहिए, कम से कम गुड तो होनी चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हेडिंग्स ज्यादा डालिए, आप पॉपुलर कीवर्ड्स यूज कीजिए, ठीक है, और मेक योर हेडिंग्स मोर यूनिक, थोड़ी अलग बनाइए लोगों से हटके। कुछ कॉमन भी हो सकती है और कुछ यूनिक भी हो सकती है, जो आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं उस हिसाब से। और मेक योर डिस्क्रिप्शन मोर यूनिक, ठीक है, अट्रैक्टिव, यूनिक, और मतलब उसको कस्टमर पढ़े, रुके उसको देखने के लिए, ऐसी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसमें उसके फायदे की चीज होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे ऑफर्स डिस्काउंट्स होने चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरा रिस्पॉन्सिव एड बनाइए और उसको सेव कीजिए। अब सेव करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमारा ये रिस्पॉन्सिव एड बन गया, ये अंडर रिव्यू चला गया, जब ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो सर रिस्पॉन्सिव एड कैसे बनाना है, अगर आपको पीपीसी कंप्लीट पीपीसी कैसे चलाना है, जिसमें टेक्स्ट एड वगैरह, एड ग्रुप, आपके
एड्स बनाने, आपका जो फ्रेज मैच हो गए, जो मैच टाइप्स हो गए, वो कैसे ऐड करना है, कीवर्ड कैसे बनाने हैं, वो ट्यूटोरियल्स भी हमने इस चैनल में दे रखे हैं। अलग अलग पीपीसी के दे रखे हैं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का भी दे रखा है, पीपीसी का भी दे रखा है, सर्च एड का, कॉल ओनली भी दे रखा है। उन सब के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो, और मैं उनके आई कार्ड वगैरह भी गूगल के दे रहा हूँ। आप सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ से सीख सकते हो, कंप्लीट आप गूगल एड्स बनाना सीख सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आज हमने जाना गूगल रिस्पॉन्सिव एड्स क्या है और किस तरीके से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दोस्तों ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई इश्यूज हैं या कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर मेल करके बता सकते हो, ताकि फ्यूचर में हम उसके ऊपर भी वीडियोज आपको ला पाएं और आपको उसमें हेल्प कर पाएं। दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों दूसरे लोगों को भी आप इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी इस चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखें और अपने बिजनेस या करियर को ग्रो करें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।